नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून के समर्थन में इंदौर के चिमनबाग में 12 जनवरी को एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है। इस यात्रा को सफल बनाने और CAA को लेकर आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से भाजपा की महिला मोर्चा द्वारा एक बैठक इंदौर में रखी गई। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर एक बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य शहर की महिला नेत्री व कार्यकर्ता शामिल हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य CAA के समर्थन में आम जन को जागरूक करने व इसी के लिए 12 जनवरी रविवार को होने वाली तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक लोग पहुंचने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया कि मध्य प्रदेश में इतना जन समर्थन कर देंगे कि यहाँ की सरकार को यह कानून लागू करना ही पड़ेगा। आयोजन के दौरान एडवोकेट ज्योति तोमर ने बताया कि CAA से किसी को कोई नुकसान नहीं है और किसी भी नागरिक को यहाँ से यानी कि देश से भगाया नहीं जाएगा। यह कानून बहुत अच्छा कानून है। वहीं बीजेपी की नेत्री ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार को लेकर कहा कि CM और उनके मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार व कांग्रेस पर कई तरह के आरोप भी लगाए। इस बिल के पक्ष में है और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे चिमनबाग मैदान पे रविवार को होने जा रहा है 2 बजे 12 तारीख को 2 बजे भारत सुरक्षा मंच के बैनर तले हो रहा है। उसमें सभी जो इस बिल के समर्थन में हैं वो सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ऐसा है, ये बिल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि जो 3 इस्लामिक देश है वहाँ पे ये हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन ये जो जनता है इनको जो यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो प्रताड़ना इनकी हो रही है उनको लेकर ये बिल लाया गया है। और वो अगर यहाँ पे आवेदन करते हैं यहाँ पे रहते हैं तो उनको ये नागरिकता मिलेगी। ऐसा है और इसमें कहीं पे भी बिल में ऐसा नहीं है किसी मुस्लिम को यहाँ से जाना है भारत से या कहीं भी कोई भी तरह की उनको इसमें तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा ये बिल है। विचारधारा के लोग काम करते हैं एक देश बचाने के लिए और एक सत्ता के लिए। भारतीय जनता पार्टी उनमें से एक है जो देश हित में कार्य करती आई और देश हित में कार्य करती, कभी सत्ता के लिए कभी काम किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना वोट बैंक की राजनीति करती है ना चीट की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश हित में काम करती है और जब भी विपक्ष में रहे हमारा ये नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसी को लेकर हम आज केंद्र में स्थापित हुए हैं। दूसरी बात, और ये बिल आज नहीं, आप इसके बहुत पहले आपको जाना पड़ेगा जब हमारा देश आजाद हुआ था। जब हमारा देश आजाद हुआ और जब पाकिस्तान उसको नाम दिया गया तो वहाँ हमारे जो हिंदू लोग रह रहे थे और यहाँ जो मुस्लिम लोग रह रहे थे भारत में, उस पर एक संधि हुई थी। संधि क्या थी कि जो पाकिस्तान में हिंदू यानी अल्पसंख्यक हैं उनकी पाकिस्तान रक्षा करेगा उनके धर्म की और उनकी, और जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक रह रहे हैं उसकी रक्षा हिंदुस्तान करेगा। लेकिन हिंदुस्तान का व्यक्ति प्राण जाए पर वचन न जाए पे काम करता है और